बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी ना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहरा सुना, तेज कुवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शोभा देख रही है आज बीच के कुंड की, बंगला की पूरब दिशा में। आज बीच के कुंड की चबूतरे की सुंदर शोभा, भूम और ऊंचे चबूतरे पर आए तो सबसे पहले शोभा देखी प्रथम पांच भूमिकाओं में, कि घेर कर तो रोंस की सुंदर शोभा, भीतर जाते हैं तो पांच हारे बड़ो वन के वृक्ष, चार हारे फील पाए पुने पांच हारे बड़ो वन के वृक्ष। इनकी एक ही भूमि में पांच भूमि समाई हुई और इन 14 हारों के मध्य 13 संधे हुई और प्रत्येक संध 846 कोस की है। और यूं घेर कर देखते हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 1250 कोस की है। इन वृक्षों की, फील पायों की, पुनः वृक्षों की शोभा देखते हुए पुनः 75 कोस की रोंस पर आए। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आए। आगे आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान 27 के 27 हार बगीचे, जिनमें ठीक मध्य में 3 हास का चबूतरा हुआ। इन चबूतरे के चारों दिशाओं में थंबों की सुंदर शोभा, कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, चारों दिशाओं से रास्ते और वहां पर सीढ़ियां उतरती हुई। 3 हास अर्थात 1200 कोस का लंबा चौड़ा, तो कुछ बगीचे यहाँ पर कट जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर शोभा, और ये जो बगीचे आए हैं इनकी जो 6 बच्चे आए हैं चारों कोनों में, उनको उनमें स्तूनों की शोभा। 28 आड़ी खड़ी नहरें आई तो 28 के 28 हार, 6 बच्चे जिनमें जल स्तूनों की शोभा आई है, तो 28 के 28 हार जल स्तून, जो भूम दर भूम 496 भूम तक जाते हैं। इन बगीचों की शोभा 5 भूम तक रहती है, भूम दर भूम 5 भूम, 5 भूम ऊपर 1 चांदनी और पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा आई है। 8 थंबों के मध्य 7 संधे हुई, जिनमें 4 में नहरें बनेंगी और 3 में बैठ के, और इन दहलान ने बंगला जी की पूरा दहलान से एक रूप मिलान किया है। अब 6ठी भूमिका से शोभा देखते हैं अद्वेज के कुंड की, तो किनार पर वही 75 कोस की रोंस। अब यहाँ बड़ो वन के वृक्षों की जगह मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, 3 हारे फील पायों की मोहलातों की, तले जो फील पायों की शोभा आई थी 4 हार, उनके सिर के ऊपर फील पायों की मोलातों की शोभा। इन एक मोलात की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजों के दोनों ओर सुंदर चबूतरों की शोभा आएगी। घेर कर मंदिर, एक थम की हार, 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, मानी चौरस हवेली की तरह सुंदर शोभायमान, और 2 मोलों के मध्य त्रिपोली की शोभा भी आएगी। तो इन शोभा को देखते हुए, इन फील पायों की मोहलातों को पार किया, उन्हें मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, इन्हें पार किया तो
तो ये 75 कोस की रोस लाल रंग में जो दिखा रखी है। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो यहाँ पर ये हो गई ताल की रोस। तले एक शोभा थी कि मध्य ये जो 3 हाँस का चबूतरा है इसके ठीक मध्य में 1 हाँस का लंबा चौड़ा जल का स्तून है। ये जल का स्तून छठी चांदनी पर यहाँ पर फूटा जिससे एक जल का अथाह पूर हुआ। तो यहाँ पर 10,800 कोस की जगह में एक ताल की शोभा हुई। ये 10,800 कोस में कमर भर गहरा ताल हुआ। कुल जगह है 11,000 कोस की, तो 100 कोस की ये रोसे आ गई तो कुल 11,000 कोस का हिसाब होता है। तो 10,800 लगभग 3 हिस्से हुए। ये जो अद्भीज का कुंड है इनके 3 हिस्से हुए। 2 हिस्सों में तो वन और मोहलाते आ गई और 1 हिस्से में ताल की शोभा होती है। तो कमर भर गहरा जल ठीक मध्य में 3 हाँस का चबूतरा होगा, किनार पर 12 थंब सुंदर शोभा और इसमें 28 के 28 साल फील पाए देखो प्रकट होते हुए। और ये भूम दर भूम 496 भूम तक जाएंगे। इन रोंस पर खड़े हैं और अपना मुख ऊपर की ओर करोगे तो भूम ऊंची जो छत आई है उन छत के साथ ये स्तून जाकर लगते हुए। पुनः सातवीं भूमि में आओगे तो सातवीं भूमि में पुनः यही शोभा, पर जो जल फूटने की शोभा है वो सिर्फ छठी भूमि में आई है। छठ उसके आगे सातवीं आठवीं नौवीं ऐसे क्रमशः 496 भूमि में यहाँ अपने को ताल नजर आएगा, चबूतरे की शोभा नजर आएगी और 28 के 28 साल ये जो जल के स्तून है अपने को ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और पश्चिम तरफ दहलान देखेंगे तो बंगला जी की दहलान के साथ मिलती हुई बराबर आ रही है। तो भूम दर भूम ये शोभा 496 भूम जाएगी। अब शोभा देखते हैं 496 भूम ऊपर। 496 भूम ऊपर आते हैं घेर कर 75 कोस की शोभा, 75 कोस की रोंस की शोभा। अब यहाँ पुणे बड़ो वन के वृक्ष आ गए। बड़ो वन के वृक्ष यहाँ पर खास मोलों की शोभा आती है। ये शोभा भी बताती हूँ, खास मोल हाथों की शोभा, पुणे बड़ो वन की वृक्षों की शोभा। 75 कोस की रोंस ये पीले रंग में, इससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये ताल रोंस और ये ताल की शोभा। ताल 496 भूम पे रुक गया, ताल अब ऊपर नहीं उठेगा और फील बाय भी यहीं पर रुक गए। लेकिन ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, खास मूल आते हैं बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनकी 4 भूम पांचवी चांदनी आएगी। और ये जो दहलान है ये भूम दर भूम 1,000 भूम तक जाएगी। अब इन्हें खास मूल की शोभा देखते हैं। 3 हारे खास मोहलों की आई हैं। 1 मोल की शोभा देखते हैं तो ठीक मध्य में देखिए 1 मोहल और 4 कोनों में इस तरह से 5 मोहल बनकर। अब इसके कोने पे देखो फिर 1 मोहल और 4 कोनों में ये 5 इकाइयां ले। एक इकाई को देखिए तो 1 मोहल की शोभा, उसके 4 कोनों पे मोहल। ठीक ऐसे ही फिर इसके 4 कोनों पर आ जाएंगे तो ऐसी खास मोहलातों की शोभा हुई। इस तरह की शोभा परमधाम में किसी और स्थान पर नहीं आई। 5 मोहल्ले में शोभा देखी थी कि एक महल बीच में, मंदिर बीच में और 4 चार दिशा में यहाँ पर कोने में आए हैं। ये 1 मोहल इसके 4 कोनों में पुणे 1-1 मोहल की शोभा आई है। तो इस तरह से खास मोहलातों की शोभा आती है। इनमें भी थंबों की हार त्रिकोलियों की बराबर शोभा चलती है। ये देखिए खास मोहलों की शोभा। इनकी 4 भूम पांचवी चांदनी आई है। तो ये 500 भूम का हिसाब हुआ अद्विज के कुंड का। ताल यही 496 भूम पे रुक गया। ताल में खड़े हैं यहाँ पर तो चारों तरफ देखेंगे तो हमें भूम दर भूम इन वृक्षों के मोहलों के 4 छज्जे नजर आएंगे। और ये तो 1,000 भूम जा ही रही है ऊपर। अभी दहलान 496 भूम जब ऊपर आए ऊपर जब ये 5 भूम ऊपर गई है ना दीदी। 4 भूम है। चार, हाँ जी, 4 अभी, हाँ जी।
चार कोण की शोभा है ये। घेरकर 75 कोस की रोंस। अब यहाँ पुनः बड़ो वन के वृक्ष आ जाएंगे। बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारे खास मौलाते। फिर बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारे खास मौलातों की 3 हारे आई हैं। अंदर ये 75 कोस की रोंस, इससे 3 सीढ़ी ताल की रोंस, आगे ताल का विस्तार। अब जो 28 के 28 हार स्तून अभी तक अपने कूटते हुए नजर आ रहे थे, अब अपने को जल में डूबे नजर आएंगे, क्योंकि वो यहीं तक आए हैं। तो यहाँ खड़े हैं तो अपने को बड़ो वन के खास मोलों के 4 छज्जे नजर आएंगे, या यूं कहें कि इन बड़ो वन की और खास मोलों की 4 भौम 5वीं चांदनी आई है। पुखराजी ताल में देखा था ना कि घेर कर बड़ो वन जवेरों के मोल, बड़ो वन भौम दर भौम 20 भौम जाते हैं और पुखराजी ताल 980 भौम में ही रह जाता है। इसी तरह से ये ताल 496 भौम में रह जाता है। घेर की शोभा 500 भौम तक जाती है और ये ढलान तो 1000 भौम तक जाती है। कि अब जब अपन ने 5 भौमों की शोभा अलग देख ली, 496 भौम तक अलग शोभा देख ली, 491 भौम और, तो जब 496 भौम पे आते हैं तो ये बीच में मध्य ताल है। अभी तक शोभा देख रहे थे कि भौम दर भौम कमर भर गहरा ताल आ रहा है। अब ये ताल 496 भौम में रुक गया, लेकिन इसको घेर कर ये जो वृक्ष आए हैं और ये जो खास मौलाते आई हैं, इनकी 4 भौम 5वीं चांदनी जाएगी। यहाँ जल रोंस पे खड़े हैं तो यह वृक्ष अपने को 4 भौम ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। इन वृक्षों की छतरियां इन जल चबूतरे पर आ रही हैं 4 भौम तक। चबूतरे पर बड़ो वन के वृक्ष, फीलपायों की हारे, बड़ो वन के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, फीलपायों की 4 हारे, उन्हें बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। चौरस गोल गुर्जों की शोभा आ गई। ये जल का स्तून, ये देखो बगीचों की शोभा, और जहां बगीचे कट रहे हैं उन चबच्चों में जल स्तूनों की शोभा। ये जल स्तून 496 भौम तक जाते हैं। अब ठीक मध्य में कमर पर ऊंचे चबूतरे की शोभा, चबूतरे के किनार पर नूरी थंब, घेर कर 12 थंब आए हैं। चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, और ये जल का स्तून जो 6ठी चांदनी पे जाके खुलता है। एक हाथ का लंबा चौड़ा और इनको घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। अब आ गए 6ठी चांदनी पर। जल का स्तून फूटा तो जल का एक ताल हो गया। मधुवन के वृक्ष, फीलपायों की मोहलाते, फिर मधुवन के वृक्षों की हारे, ठीक मध्य जल जल का स्तून फूटने से एक ताल हो गया। जल के अंदर डूबी देखो, और 28 की 28 हार जल स्तूनों की। अब ये शोभा भौम दर भौम 496 भौम तक आएगी। अब देखो ताल रुक गया 496 भौम तक। घेर का बड़ो वन खास मोल, बड़ो वन 4 भौम 5वीं चांदनी और गए हैं। खास मोलातों की शोभा। ढलान की शोभा 1000 भौम ऊपर जा रही है। यहां तक शोभा क्लियर हुई? जी हो गई।
आप जल उतरने की विधि बता दो, जो 16 धाराओं से जल गिरता है, हाँ जी हाँ जी, ये देखो। अदबीज के कुंड की शोभा तो 500 भूम में रुक गई, लेकिन दहलाने 500 भूम ऊपर और जा रही है। दहलान की शोभा 500 भूम ऊपर और जा रही है। अब ये देखेंगे, यहां से जल, जब जल यहाँ 4 धाराओं में गिरता है पुखराजी ताल में, तो 980 भूम में गिरता है, और 980 भूम में जल की धारा अदबीज के कुंड की तरफ जाती है। तो ऊपर की जो 20 भूमे हैं प्लस ये 980 भूम है, इनके 1600 कोस के छज्जे निकलते हैं। ये देखो, ये सब छज्जे ऊपर की 20 भूमों के 1600 कोस के छज्जे निकले। एक भूम नीचे 979 में 1200 कोस का छज्जा निकला। एक भूम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ 800 कोस का छज्जा निकला, और यहाँ 400 कोस का छज्जा निकला। ये जो 1000 भूम की ढलाने आई हैं, ऊपर की 20 भूम में तो 1600 कोस का छज्जा, एक भूम नीचे आते हैं तो यहाँ 1200 या 800 या 400 कोस का छज्जा। अब जल जब यहाँ से चलता है उखराजी ताल से, यहाँ से चलता है, 4 नहरों से जब प्रवाहित होता है, तो सबसे पहले इन स्थान पे पहुँचता है, और वहाँ पे 4 फील पाए लगे होंगे। उन फील पायों से पानी इन 400 कोस के छज्जे तक आ जाता है। फिर जल आगे बढ़ता है वहाँ से इन 800 कोस के छज्जे तक, और फिर 1200 कोस के छज्जे तक, और आखिर में 1600 कोस के छज्जे तक। ये देखो, 980 भूम से जल चला, ये 4 फील पाए लग रहे हैं। सबसे पहले पानी इन फील पायों से होता हुआ 400 कोस के छज्जे तक गया। फिर जल आगे आया तो इन फील पायों से 800 से, और इनसे 1200 से, और 1600 कोस के, सो यहाँ से 4 धाराएं निकलेंगी। सही, इस तरह से पानी नीचे उतरता है। अब इन शोभा को वीडियो से देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले 400 कोस से, फिर 800 कोस, फिर 1200, फिर 1600। हाँ, अब इसको देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से तो जब देखो, ये पीछे से नहरें आ रही हैं 4। सबसे पहले हाँ इन जी नहर का जल इन फील पायों से होता हुआ इन 400 कोस के छज्जे पे पहुंचा। यहाँ से जल की 4 धाराएं निकली। फिर जल आगे गया और इन 800 कोस के छज्जे तक आया। फिर जल आगे जाता है, फिर इन 1200 कोस के छज्जे तक, और ये 1600 कोस का छज्जा। तो चारों से चार चार धाराएं निकलती हैं। ये ऊपर 1600, फिर 1200, 800, 400, ऐसे उल्टी सीढ़ी। ये उल्टी सीढ़ी नजर आ रही है ना? नौ सौ अस्सी भूम से 4 धाराएं गिरती हुई, फिर एक भूम नीचे आते हैं वहां से भी 4 धाराएं। सबसे पहले 1600 कोस के छज्जे से 4 धाराएं, 979 भूम में आते हैं तो वहां से भी 4 धाराएं, 1200 कोस के छज्जे से, फिर 800 कोस के छज्जे से 4, फिर 400 कोस के छज्जे से 4। तो 4 की 4 धाराएं, 16 धाराएं एक साथ गिरती हैं। ये देखें, इसमें ये 4 धाराएं पहले 980 भूम से गिरती हुई, फिर 979 से, 978 से, और 977 से, 4 की 4 धाराएं गिरती हुई, 16 धाराएं गिरती हुई। ये 980 भूम से जल आ रहा है, 980 भूम से जल का निशान आ रहा है। सबसे पहले जल पहुंचता है 400 कोस के छज्जे पर इन फील पायों के जरिए, फिर 800 पे, फिर 1200 पे, फिर 1600 से निकलता है। पुखराजी ताल से 4 नहरों से होके पानी का पूर आता है। पुखराजी ताल से 4 नहरों से होके पानी का पूर आया। सोलह सौ कोस का छज्जा है, जो 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं।
ये फीलपाई 400 कोस की छज्जे तक गए हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में चार फील पे आए हैं, ये फीलपाई 800 कोस की छज्जे को फोड़कर निकले हैं। फिर 400 कोस की हद में चार फील पाए आए, ये फीलपाई 1200 कोस के छज्जे से निकले हैं। आगे 400 कोस की हद में चार धाराओं से पानी गिरता है। पुखराजी ताल से पानी चला सबसे पहले इन फील पायों से भूम दर भूम फोड़ते हुए छज्जों को नीचे 400 कोस के छज्जे पर पहुंचा। 400 कोस और आगे पानी चलेगा तो वो 800 कोस तक पहुंच जाएगा, फिर 1200 कोस के छज्जों तक पानी जाएगा, फिर आगे 400 कोस से इन 1600 कोस के छज्जों से चार धाराएं गिरेंगी। चार की चार धाराएं गिरती हुई एक उल्टी सीढ़ी से ना।